दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट को लेकर के। आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये अपडेट निकल के आई है कि DIOS नहीं अब शिक्षा निदेशक करेंगे समायोजन। क्या है पूरा मामला यहाँ पर देखते हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में TGT व प्रवक्ता यानी PGT पद पर चयनित शिक्षकों का समायोजन अब DIOS नहीं करेंगे। शासन ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की 1998 की नियमावली में संशोधन कर समायोजन का अधिकार माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दे दिया है। इससे समायोजन में तेजी आने, भ्रष्टाचार और विवाद दूर होने के साथ ही सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में मुकदमों की संख्या कम होने की उम्मीद है। प्रमुख सचिव शासन दीपक कुमार ने नियमावली संशोधन का आदेश 31 मार्च को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजा है। अब तक प्रबंध तंत्र शिक्षकों की तैनाती की सूचना DIOS के माध्यम से चयन बोर्ड को देते थे, लेकिन भविष्य में तैनाती की सूचना DIOS के जरिए चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा निदेशक दोनों को दी जाएगी। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्तियां होती हैं वो चयन बोर्ड करता आया है, लेकिन भविष्य में ये नए आयोग के माध्यम से अब होंगी। वहीं पर चयन बोर्ड से नियुक्त जो भी शिक्षक विद्यालय में ज्वाइन नहीं करता है तो वहां पर सीटें रिक्त रह जाती हैं। उन रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग दी जाती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जहाँ पर चयन बोर्ड से नियुक्ति तो दी जाती है, लेकिन जब वो विद्यालय पहुँचते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी पद जो है वो भर जाता है, किसी कारण से भरा होता है पहले से, गलत अध्याचन जा चला जाता है या कुछ भी कारण समझ लो, तो वहाँ पर फिर वो शिक्षक जो भटकते रहते हैं तो फिर उनका समायोजन करना पड़ता है। और समायोजन कौन करता है? DIOS करते थे। DIOS के पास पावर था, DIOS ही कॉलेज की सूचना जो है भेजते थे कि इनका समायोजन इस कॉलेज में किया जाना है और फाइनल मुहर उस पर चयन बोर्ड लगाता था। लेकिन इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें थी जिनका समाधान करने के लिए यहाँ पर चयन बोर्ड ने खुद प्रस्ताव बना करके भेजा था शासन को कि यहाँ पर DIOS की जगह ये सारी चीज़ें जो हैं निदेशक को दी जाएं। तो वही प्रस्ताव पर मुहर लगी है और इस पर जो है अब पावर जो है शिक्षा निदेशालय को दे दिया गया है। यानी अब जो भी समायोजन होगा, जो भी वेटिंग लिस्ट से ज्वाइनिंग होगी वो अब शिक्षा निदेशालय करेगा। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे टीजीटी पीजीटी वेटिंग शासन आदेश तो आपके सामने कई सारे यहाँ पर वीडियो मिलेंगे। इसमें से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा एक वीडियो आपको मिलेगा जो कि 5 दिन पहले ही यहाँ पर हमने डाला हुआ है। ये देखो वीडियो यहाँ पर है, चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी नियमावली में बड़ा बदलाव, टीजीटी पीजीटी नियम 13 वेटिंग लिस्ट न्यूज। 5 दिन पहले हमने वीडियो डाला था जिसमें हमने इसी शासनादेश के बारे में डिटेल से जानकारी दी है जो कि शिक्षा निदेशालय के लिए भेजा गया। अगर इसको आप डिटेल से समझना चाहते हैं कि अब क्या बदलाव किए गए हैं, कैसे चीज़ें होंगी, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फिलहाल अब भविष्य में निदेशालय से ही सारा काम होगा वेटिंग का और समायोजन का। 2016 और 2021 के जो भी अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में हैं और इंतज़ार कर रहे हैं तो जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके अनुसार 2016 भर्ती के जो भी अभ्यर्थी हैं उनका वेटिंग लिस्ट में जो कॉलेज आवंटन वगैरह प्रक्रिया है वो मई तक होने की संभावना बताई गई है, और उसके बाद 2021 के अभ्यर्थियों का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी अपडेट हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी अपडेट को लेकर के। आप लोग जानते हो केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हुई हैं उसमें कई सेंटरों में आपको देखने को मिला होगा कि यहाँ पर जो है पेपर लीक और कंप्यूटर में जो प्रश्न पत्र हैं उनको कहीं बाहर से हल कराया जा रहा था, इस तरह की घटनाएं आई थी। और इसमें कुछ शिक्षकों की मिलीभगत है या उनका हाथ है, हेरफेर की गई है। इसके संबंध में 5 अप्रैल को यह पत्र जारी किया गया था, आप लोग देख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से पत्र जारी किया गया था जो कि प्राचार्य समस्त केंद्रीय विद्यालय लखनऊ संभाग के लिए था। इसमें बताया गया था केंद्रीय विद्यालय संगठन की परीक्षा में KVS के शिक्षकों द्वारा हेरफेर करने के संबंध में। और यहाँ पर देखिए नीचे बताया गया था कि जैसा कि संज्ञान में आया है KVS की भर्ती परीक्षा में केंद्रीय विद्यालय संगठन के एक संभाग के एक शिक्षक द्वारा
ऑनलाइन सोशल मीडिया अन्य तरीकों से कथित रूप से केंद्रीय विद्यालय संगठन की विभिन्न जानकारियों के हेरफेर में लिप्तता पाई गई है। और इसके बारे में ये नोटिस जारी की गई थी कि सभी विद्यालय जो इस तरह के जो भी टीचर हैं, ठीक है, उन पर कंट्रोल करें, कोई भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर ना दें और ना ही इस तरह के मामले में लिप्त हों। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे हरियाणा में और बिहार में भी इस तरह के जो घटनाएं निकल के आई थी पेपर सॉल्व करने के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, ये हरियाणा से अम्बाला से न्यूज प्रकाशित हुई और यहाँ पर बताया गया है, पेपर सॉल्वर मामलों की जाँच करेगी I4C। अम्बाला पुलिस से किया संपर्क, जाँच में जुटाए तथ्यों के लिए जानकारी। तो सालवर से प्रश्न पत्र हल करवाने और पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए सरकार ने केंद्रीय एजेंसी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। और आप लोग जानते होंगे कि इन सभी मामलों का जो केंद्र है हरियाणा है, ऐसे में पेपर सालवर से जुड़े मामलों की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को सौंपी गई है। ये संस्था देश भर में साइबर अपराधों के मामलों को देखती है। इसमें पेपर सालवर गैंग से जुड़े मामलों की जांच एक IPS अधिकारी के नेतृत्व में कराई जाएगी। इसके लिए I4C के अधिकारियों ने संबंधित जिलों से संपर्क करना भी शुरू कर दिया है। यानी जो प्रश्न पत्र यहाँ पर लीक हुए थे या कहें ऑनलाइन सॉल्व करवाया जा रहा था, उन पर सेंट्रल एजेंसी जो है वो पेपर की लीक की जांच कर रही है। और इन मामलों से जो भी यहाँ पर थे पेपर सॉल्वर मामले के, उन पर जो गहन जांच करी, उसके बाद जो है यहाँ पर पता लगा है कि किस तरीके से यहाँ पर पेपर सॉल्व कराए गए और कितने लोगों को करवाए गए। अब आप पहले ये जान लो कि कहाँ कहाँ पर पेपर सॉल्व करने के सुराग मिले थे, मामले आए थे। यहाँ पर देखिए बताया गया है, सबसे पहले वाराणसी में पेपर सॉल्व को लेकर के मामला उजागर हुआ था। इसके बाद अम्बाला के KVK में PGT परीक्षा में ऑनलाइन पेपर हल करने का मामला देखने को मिला था। इसके बाद लद्दाख में भी इसी तरह का मामला आया था। आगरा में भी एक गैंग पकड़ा गया था, ठीक है, और बिहार में भी इस तरह के मामले आए थे। तो इन सब मामलों की कुल मिलाकर के जांच जो है वो KVS करवा रहा है। कस्तूरबा गांधी भर्तियों के बारे में, तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से देखिए हरदोई की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया, 6 अप्रैल की डेट पड़ी हुई है, लेकिन आज के समाचार पत्रों में आपको मिल जाएगा जो भी हरदोई से प्रकाशित है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि हिंदी की 2 वैकेंसी है, अंग्रेजी की 4 वैकेंसी, गणित की 6 है, विज्ञान की 5 है, सामाजिक विज्ञान 1, शारीरिक शिक्षा 1, कंप्यूटर की 3, इसके बाद यहाँ पर उर्दू की 1, कला क्राफ्ट की 4, मुख्य रसोइया के 2, रसायक रसोइया के 5, चपरासी का 1 पद है, चौकीदार के 2 पद है। टोटल यहाँ पर 37 पदों पर भर्तियाँ हो रही हैं, ठीक है। शैक्षिक योग्यता यहाँ पर आपके सामने मेंशन है। तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 25 अप्रैल 2023 है। आप लोग इसका जो फॉर्म का प्रारूप है, इस प्रारूप में फॉर्म को भर करके आप जो है अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आप इस फॉर्म को भेज सकते हैं, ठीक है। एड्रेस ऊपर यहाँ पर मेंशन किया गया, यहाँ पर देखो जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय है वहीं पर आपको भेजना है। इसके बाद अगला नोटिफिकेशन है, ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ से। यहाँ पर देखिए जो पद है अंग्रेजी का 1 ही पद है, ठीक है, और मुख्य रसोइया सहायक रसोइया के पद हैं। जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड है इसके लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। 10 अप्रैल इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट है। इसके अलावा यहाँ पर एक वैकेंसी और है जो कि सिद्धार्थनगर से आई हुई है। यहाँ पर देखिए पूर्णकालिक शिक्षिका में विज्ञान के 2 पद हैं, गणित के 10 पद हैं, हिंदी संस्कृत के 2 पद हैं, कंप्यूटर के 6 पद हैं, इसके बाद कला क्राफ्ट के 9 पद हैं, उर्दू के 2 पद हैं, मुख्य रसोइया का 1 पद है और सहायक रसोइया का 4 पद है। यहाँ पर भी आवेदन प्रारंभ है और इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी 11 अप्रैल 2023 शाम 5 बजे तक। अंत में बात कर लेते हैं हम लोग राजस्थान चपरासी भर्ती को लेकर के। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में चपरासी की कुल मिलाकर के 18,000 पद खाली हैं और ये जानकारी अभी हाल ही में राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी द्वारा दी गई है। 18,381 पद खाली पड़े, आने वाले समय में इन पदों पर भर्तियां की जाएंगी। और इसके लिए यहाँ पर बताया गया कि पहले नियमावली में संशोधन होगा, उसके बाद ही इन पदों पर विज्ञापन आएगा। और यहाँ पर जब नियमावली में संशोधन होगा तो कई सारी चीज़ें बदल सकती हैं, जैसे कि शैक्षिक आर्थिक को लेकर के बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अभी तक यहाँ पर 5वीं पास मांगा जाता था, इस बार अब 8वीं या फिर हाई स्कूल पास मांगे जाने की संभावनाएं हैं।